अस्सलामुअलैकुम जी। के एसएसबी के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। सेट थ्योरी हम पढ़ रहे थे और 8 लेक्चर्स इसके हो गए। अब 8 लेक्चर जो मैंने दिए हैं ना, उन 8 लेक्चर्स को हम कैसे एक ही लेक्चर में सब कुछ देखेंगे, सब कुछ हमें आएगा, उसके लिए ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज दिस इज द लेक्चर ऑन वेन डायग्राम, दैट इज ऑल अबाउट सेट्स। यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ आपको आज पता चलेगा, आज पता चलेगा, बट बाय डायग्राम। इसलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं और टॉपिक हमारा है दैट इज वेन डायग्राम। दैट्स वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को देने वाले दो मैथमेटिशियन थे, एक था जॉन, दूसरा था वेन। लेकिन वेन ने ज्यादा काम किया था, इसीलिए इसके नाम पे आ गया था ये वाला टॉपिक, दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम करते क्या है, सेट्स को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते। That's, अगर आपके पास कोई सेट होगा उसको हम डायग्राम से दिखाते हैं, मीन्स डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है, डायग्राम से दिखाते हैं। जब डायग्राम से हम दिखाते हैं ना सेट को, सबसे पहले आपको याद रखना ये है, दैट्स इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जो है ना यूनिवर्सल सेट की, यूनिवर्सल सेट। कोई आपको बोलेगा यूनिवर्सल सेट जो है ना, इसकी डायग्राम क्या होती है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे इसकी डायग्राम बनानी है, क्या डायग्राम बनानी होती है, दैट्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं, दैट इज लाइक दिस, इससे हम इसको दिखाते हैं। इस सेट में एलिमेंट्स होते हैं, यही होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं, मतलब ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो ऑलरेडी किस में प्रेजेंट होते हैं, यूनिवर्सल सेट, उसी को हम बोलते हैं ना सबसेट। सबसेट बाकी जितने भी हो गए सबसेट्स, सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सर्कल्स और एलिप्स, सर्कल से या एलिप्स से, हाँ एलिप्स। वो कैसे होता है देखेंगे आप, सर्कल आपको पता ही है, दैट्स दिस इज द सर्कल, सर्कल एंड दिस पर्टिकुलर वन, हाँ देखो देखो आप, देखो आप ये होता है एलिप्स। देखो किसको हम एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स हमारा कुछ इस तरह है, एलिप्स से मतलब डरना नहीं है, दिस इज द एलिप्स। सर्कल ही होता है बट इलाबोरेटेड सर्कल, ये है हमारा एलिप्स, दिस इज सर्कल एंड दिस वन इज एलिप्स, ये हमारा एलिप्स है, दिस इज एलिप्स एंड दिस इज सर्कल। ये भी इसी सेट के अंदर होता है, ये वाला भी इसी सेट के अंदर होता है, ये इनका मीन्स फादर है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर सर्कल भी होता है एलिप्स भी होता है। अगर आपने सबसेट को सर्कल से दिखाया तो फिर इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सर्कल होगा, अगर एलिप्स से दिखाया तो फिर इसके अंदर एलिप्स होगा, ठीक। एग्जाम्पल दिखाएंगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में ये है कि अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है यू, इस यू में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, रिप्रेजेंट दिस बाय डायग्राम। आपको पता है ना ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर रेक्टेंगल से करते हैं,
हाँ जी रेक्टेंगल से ही करते हैं। रखो इसमें एलिमेंट्स जहां पे मर्जी रखो, वन को यहां पे रखा, टू को यहां पे, थ्री को यहां पे, फोर को यहां पे, फाइव को यहां पे, सिक्स को मैंने रखा यहां पे, बस हो गया। इस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमारा वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये है। कोई अगर आपको बोलेगा चलो ये है कोई, अब सबसेट दिखाएंगे, देखो कैसे देखेंगे आप। देखो सबसेट हम कैसे दिखाते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। पहले सबसेट के लिए यूनिवर्सल सेट पहले होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, यही है ना। इसके बाद इसका सबसेट, सबसेट आपको पता है, ए मैं नाम दूंगा इसको। इसमें एलिमेंट्स है टू, थ्री, सिक्स, सेवन। मुझे बोला जा रहा है इनकी डायग्राम दे दो, डायग्राम दे दो। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, यू है ना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से बनाया आपने यूनिवर्सल सेट। लेकिन यूनिवर्सल सेट का सबसेट कौन है, ए है ना। देखो ए का हर कोई एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है ना, और यूनिवर्सल सेट बड़ा है ना, मतलब यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा ही होता है। मीन्स ए बन गया सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इस तरह हम लिखते हैं ना, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। चलो देखो इसका सबसेट, इसका सबसेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से करेंगे। देखो ये हो गया ना इसके अंदर सर्कल। अब पहले लिखो एलिमेंट्स, किस में एलिमेंट्स लिखेंगे, पहले पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे ए में कौन कौन सा है, ये है ना ए, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट। ए में कौन कौन सा है, टू है, कुछ नहीं, कॉमा वामा कुछ नहीं करना है, थ्री है, सिक्स है, सेवन, जहां पे मर्जी। अब कौन कौन का सा बचा, वन बचा ना, वन को मैं यहां पे लिखूंगा, फोर बचा ना, फोर को मैं यहां पे लिखूंगा, फाइव बचा ना, फाइव हमारा यहां पे होगा, सिक्स आ गया, सेवन आ गया, एट बचा ना, ये हो गई इसकी वेन डायग्राम, ये हो गई इसकी डायग्राम। ये खुद पता चलता है, दैट इज सर्कल लाइज इनसाइड यू, सर्कल यू के अंदर है, ए सेट यू के अंदर है, मतलब ए का बन गया सबसेट, सबसेट मतलब इसके अंदर जो है, यू के अंदर ए है, मीन्स यस ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। चलो इसी तरह देंगे एक और एग्जांपल, देखो देखो आसान सा कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास ये सेट है, ये है कहीं पे, देखो ए हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। इसका एक सबसेट ए है, ए में हमारे पास एलिमेंट्स है थ्री, फोर, सिक्स, ठीक। बी है, बी में एलिमेंट्स है दैट इज जीरो, वन, फाइव, ठीक। रिप्रेजेंट दिस बाय वेन डायग्राम, रिप्रेजेंट करो। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने क्या डाला सर, पहले यूनिवर्सल सेट डालना है। अब देखो पहले ए एंड बी में मत कुछ कॉमन है ना, कॉमन कुछ नहीं है, मतलब ये दो सेट्स आपस में इंटरसेक्शन इनका नहीं है, मीन्स दे आर डिसजॉइंट सेट्स। जिन सेट्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा ना, उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ऐसा मतलब डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट मीन्स दे डोंट हैव जॉइंट एलिमेंट, उनका कोई जॉइंट एलिमेंट है ही नहीं। अब देखो इसके बाद ए बनाऊंगा मैं पहले, लेकिन सबसेट है ना, किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर, सर्कल से। देखो आ गया ना हमारा सर्कल एक। बी है ना, बी को भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर, सर्कल से ही, कहीं पे भी बनाओ लेकिन बाहर नहीं, ठीक हो गया ना।
अब लिखो पहले ए में कौन कौन सा है। थ्री है, फोर है, सिक्स है। बी में लिखो, जीरो है, वन है, फाइव है। अब बचा कौन कौन सा यूनिवर्सल सेट में। सर जीरो वो तो आ गया, वन वो भी आ गया, टू नहीं आया, ना टू इसमें आया ना टू इसमें आया। मैंने सबसे पहले टू, चलो मैं यहां पे लिखूंगा। थ्री आ गया है, फोर भी आ गया है, फाइव भी आ गया है, सिक्स भी आ गया। अब कौन सा बचा, सेवन, वो मैं यहां पे लिखूंगा। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए सेट एंड दिस इज सेट बी। अब देखो मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा। वेन डायग्राम से मैं सिखाऊंगा कैसे सेट्स निकालेंगे और कैसे यूनिवर्सल सेट को निकालेंगे। चलो देखो, देखो ये हमारे पास, चलो कोई यूनिवर्सल सेट है यहां जी, हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। हां जी यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके सबसेट्स ये है, ये इसका पहला है, यहां पे इसका दूसरा है। इस सेट का नाम है X, इस सेट का नाम है Y, दिस सेट इज यूनिवर्सल जीटा और U। अब देखो इसमें एलिमेंट्स क्या है, इसमें A है, D है, E है, F है, इसमें B, C, G, I, इसमें H, यहां पे J, यहां पे K, यहां पे L, यहां पे। मुझे बोलेंगे आप, सबसे पहले मुझसे पूछा जाएगा, आप मुझे बोलो सेट X में कौन कौन से एलिमेंट्स है। बोलो X में कौन कौन है, A है, D है, E है, F है, हो गया ये। Y में बोलो कौन कौन से है, Y में है ना हमारा B, C, G, I। अब क्वेश्चन है हमारा, बोलो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा है। सर A है क्योंकि वो X में है, हाँ A है। सर B भी है, हाँ जी B भी है। सर C है, हाँ सी भी है। सर डी है, हाँ डी है। सर ई भी है, हाँ जी ई भी है। एफ है, हाँ एफ है। जी भी है, एच भी है, आई भी है, जे भी है, के है और एल है। दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ये आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट। आया समझ, यही हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसी तरह हम ए भी लिखते हैं। अब मैं दिखाऊंगा कैसे हम इसको करते हैं। अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ए निकालना आपको आ गया, बी निकालना आ गया, मतलब एक्स एंड वाई निकालना आ गया। अब देखेंगे यूनियन कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, देखेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन और इंटरसेक्शन को थ्योरेटिकली नहीं डायग्रामेटिकली करेंगे हम, ठीक है। हाँ डायग्राम से दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बना देंगे। बनाया मैंने यूनिवर्सल सेट, अब इसका सबसेट लेंगे, कौन सा लेंगे। सर ले लिया ए, दूसरा भी लेंगे, कौन सा ले लिया बी। अब देखो 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 देखो, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं हमें। इस सेट में एलिमेंट्स है वन थ्री सिक्स एट, चलो सेवन, यहां पे जीरो टू फोर, यहां पे फाइव नाइन टेन, ठीक कुछ भी।
अब मुझसे पूछा जा रहा है, ये हमें आएगा ए में कौन कौन सा है, जरा बोलो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है। सर वन है, हाँ जी है। थ्री है, हाँ जी थ्री भी है। सर सिक्स है, हाँ जी सिक्स भी है। और है ना यहां पे एट भी है ना, आ रहा है ना एक ही बाउंड्री में एट। सेवन भी है ना, हाँ जी सेवन भी है। ये आपका आ गया ए। मैं बोलूंगा आपको जरा बी में बोलो मुझे कौन कौन सा है। बी में है ना हमारा जीरो, हाँ जीरो है। टू भी है ना, जी टू भी है। फोर भी है ना, हाँ फोर भी है। एट भी है ना, हाँ जी एट भी है। और सेवन भी है, ठीक। अब अगर मैं बोलूंगा आपको जरा मुझे बोलो इंटरसेक्शन में कौन कौन सा है। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स आप यहां से भी देख सकते हो, एट एट सेवन सेवन। लेकिन मुझे यहां से चाहिए, मुझे यहां से ये वाला पोर्शन, ये कॉमन है ना दोनों में। दिस पोर्शन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पोर्शन। इंटरसेक्शन में कौन कौन सा है, इंटरसेक्शन में आपका एट है और सेवन है। आप देखो यहां से भी वही आ रहा है ना, हो गया इंटरसेक्शन। दिस पोर्शन इज नाउ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस रीजन। अब यूनियन मुझसे पूछा जा रहा है, यूनियन देखो यूनियन क्या होता है। चलो देखो आप यूनियन क्या होता है। यूनियन होता है इस सेट के सारे एलिमेंट्स, मैं इसको शेड कर रहा हूं और मैंने रेड से इसकी शेड कर दी, इस सेट के सारे एलिमेंट्स, इस सेट के सारे एलिमेंट्स, यही है आपका यूनियन। बस इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स एक ही बार दिखते हैं। बोलो क्या क्या आएगा, वन थ्री सिक्स सेवन एट जीरो टू फोर, यही आ गया ना यूनियन, यही आपका यूनियन। अगर आप यहां से भी करेंगे ना यूनियन, अब देखो यही आएगा ना। आपको क्यों यहां जाना है, आप क्यों यहां जाएंगे, यहां क्यों जाएंगे, हम सीधे सेट पे आएंगे, वेन डायग्राम पे आएंगे। अगर मैं बोलूंगा यूनिवर्सल सेट, सर एक तो ये सारे आएंगे, ये वाले सारे आएंगे, दूसरा ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये होगा यूनिवर्सल सेट। यहां देखो, यहां देखो मैं दिखा रहा हूं, यहां देखेंगे आप, हाँ ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के एक सबसेट, इसी यूनिवर्सल सेट का दूसरा सबसेट, इस सेट का नाम है सेट एक्स, इस सेट का नाम है सेट वाई। ये पोर्शन देखो, देखो ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन शेडेड पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन, दैट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई। यस, व्हाट इज यूनियन, यूनियन के लिए मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं। दिस होल बाहर नहीं आना है, सर्कल से बाहर या एलिप्स से बाहर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्स यूनियन वाई। बस दिस इज कॉल्ड एक्स यूनियन वाई। यूनियन सारा है जिसको मैंने येलो कलर से किया, और ये जो मैंने किया ना, दिस इज इंटरसेक्शन, दिस पोर्शन इज इंटरसेक्शन, यही होता है इंटरसेक्शन। अब इसके बाद देखो यहां पे, इसी से दिखाएंगे कॉम्प्लीमेंट, देखो कैसे।
यूनिवर्सल सेट आपका है कोई? इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है कोई? ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है, ए में है 1, 2, 6, 7, यहां पे 3, 4, 5, 8, 9, ठीक, चलो 10 भी लेते हैं। मुझसे बोला जा रहा है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ए हमारा ये है ना सारा, ए में क्या है 1, 2, 6, 7। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, ए से बाहर। ए से बाहर कौन कौन सा आ गया? 3 आ गया ना, देखो यहां पे लिखता हूं मैं 3, 4, 5, 8, 9, 10, यही है ना। मतलब ये वाला पोर्शन, दिस होल पोर्शन, दिस होल पोर्शन जिसको मैंने शेड कर दी, दिस होल पोर्शन इज द ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, आप देखो मैंने ए से छेड़ा ही नहीं, दिस पोर्शन जिसको मैंने शेड कर दी इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हम इसी को बोलते हैं। जरा यहां पे आएंगे, इसी पे एग्जांपल एक और देंगे और आपका ये वाला टॉपिक क्लियर होगा और फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशंस पार्ट करेंगे। देखो ये वाला है, इसके दो सबसेट्स लेंगे, इसमें है 1, 2, इसमें है 3, 4, यहां पे 5, 6, 7, 8। देखो यहां पे ये सेट ए है, सेट बी है, बोलो ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में नहीं, बाकी सारे क्या क्या आएगा? आएगा ना 5, 6, 7, 8, ये भी आएंगे ना क्योंकि ये ए में है ही नहीं, 3 और 4। बोलो बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा आएगा? ये वाले नहीं आएंगे, जो बी में है ना वो नहीं आएंगे, बाहर वाले आएंगे 5, 6, 7, 8, और आएगा ना 1 और 2, 1 और 2, यही हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर और यूनियन इंटरसेक्शन मैंने सिखा दिया, बाकी जो भी होगा ना नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। ये लेक्चर हमारा बड़ा हो गया, आज के लिए काफी है, थैंक यू, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत है, थैंक यू।